हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर आपके लिए एक नई वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि आईटीआई डिप्लोमा के लिए है। बेसिकली आईटीआई के लिए है जिनको अप्रेंटिस ट्रेनिंग करनी होती है और वो किसी पीएसयू या गवर्नमेंट में अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट चांस है। यहाँ पे एनसीएल में जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आई है, तो उसके बारे में आइए हम बात करते हैं कि आखिर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इनके। तो कंपनी के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, जिसमें भी अभी आपकी वैकेंसी आई थी ऑपरेटर ट्रेनिंग की। अब यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए भी आया है, तो उनको अगले साल अगर कोई वैकेंसी आती है, तो अगर आपने सेम कंपनी से किया है तो उसका लाभ आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे ये केवल प्योरली ट्रेनिंग के लिए है, ये जॉब वैकेंसी नहीं है। तो आपको यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद कोई भी रिक्रूटमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। आपको सेम प्रोसेस से ही अगर कोई वैकेंसी आती है तो भरना होगा। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे जॉब से रिलेटेड। तो यहाँ पे आइए बात करते हैं कि कंपनी का प्रोफाइल बताया गया है कि कंपनी एक मिनी रत्ना कंपनी है। जो एनसीएल है वो कोल इंडिया की सब्सिडरी है, जो कि कोल इंडिया एक महारत्ना है और नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एक मिनी रत्ना है। तो यहाँ पे जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आया है, शिक्षा प्रशिक्षक नियम 1961 के अंतर्गत आया है। तो आइए यहाँ पे हम बात करते हैं टोटल कितनी पोस्ट हैं और किन किन के लिए पोस्टें आई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सारी पोस्ट का मापदंड यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या है। तो जो ट्रेड है आपका वेल्डर एवं इलेक्ट्रिशियन, एंड थर्ड आपका है फिटर। तो यहाँ पे तीन तरह की वैकेंसी आई हुई है। तो आइए हम बात करते हैं वेल्डर की। तो वेल्डर में आप टोटल देख सकते हैं 88 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन में आपका 179 वैकेंसी है, और आपका हिसाब से बांटा गया है, बट टोटल आपका 88, 79, और तीनों ही एक वर्ष की अप्रेंटिस ट्रेनिंग है। सेकंड बात करते हैं फिटर की, तो वहाँ पे 174 है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1 वर्ष लिखा हुआ है, 1 साल का आपका अप्रेंटिस ट्रेनी है। तो यहाँ पे टोटल आपको जो पोस्ट हैं तीनों मिला के 441 है। इसके लिए आइए आप बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो वेल्डर के लिए 8वीं एवं आईटीआई उत्तीर्ण वेल्डर ट्रेड में एनसीवीटी या एनसीवीटी मान्यता प्राप्त संस्था, इलेक्ट्रिशियन के लिए 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए, और फिटर के लिए भी 10th प्लस आईटीआई, और तीनों ही कोर्स इस जो संस्था एनसीवीटी है या एससीवीटी, इससे मान्यता प्राप्त हो आपका, जहाँ से भी आपने कोर्स ये किया हुआ है। फिट ट्रेड मान और वसु आपको क्वालिफिकेशन तो बता दी गई कि 10th प्लस आईटीआई, 8th प्लस आईटीआई होना चाहिए, और लेकिन इसके लिए न्यूनतम आपकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए। तो यहाँ बात की कि ये सभी सामान्य वर्ग ओबीसी वर्ग के आवेदक न्यूनतम 50% मार्क्स, मतलब जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, और अदर देन इसके जो भी हैं अनुसूचित एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, उनको 40% मार्क्स चाहिए। और आपका ये जो सारा क्वालिफिकेशन आपका कंसीडर किया जाएगा, वो 1/4/2018 के तक मतलब आपको पास हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फिर ये आपकी एज क्या होगी। तो न्यूनतम एज जो बताई गई है आपकी, वो 1/4/2018 को 16 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम आपका 24 वर्ष होना चाहिए। बाकी आपको छूट मिल सकती है आपके कैटेगरी के हिसाब से, जो कि यहाँ पे बताया गया है। करना क्या है, आवेदक को पहले कैसे अप्लाई करना, आपको जाकर apprenticeship.gov.in पर लॉगिन करना है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पहले आपको वहाँ पे करना है, उसके बाद एनसीएल की वेबसाइट में जाके आपको लॉगिन करता है। तो दोनों ही आपको मैं जो वेबसाइट की एड्रेस है नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से भी जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि आपके लिए क्या सामान्य नियम एवं शर्तें, टर्म्स कंडीशन क्या हैं। तो पहला जो टर्म्स कंडीशन है, ऑनलाइन आवेदन आपका स्वीकार किया जाएगा, हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी। उसके लिए आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ोटो, सिग्नेचर ये सारे आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए भरने से पहले। आईटीआई की मार्कशीट और टोटल आपकी 10 चीज़ें होनी चाहिए आपके। अब इसके बाद आपको फर्स्ट क्या करना है, सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है apprenticeship.gov.in पर। उसके बाद वहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको, जब वहाँ अप्लाई करेंगे तो ये पंजीकरण संख्या एनसीएल का है, इसको आपको सेलेक्ट करना है, खोज करके एनसीएल में प्रशिक्षक के लिए आवेदन करेंगे तो आप वहाँ पे करेंगे। उसके बाद जब आप वहाँ पे आप लॉगिन करने के बाद पूरा डिटेल फिल कर देंगे, तो आपको यहाँ पे
दूसरे चरण में एनसीएल की वेबसाइट के पे जाना है करियर ऑप्शन में, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। अगर आपने apprenticeship.gov पे अप्लाई नहीं किया है तो आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो रेफरेंस नंबर मिलेगा आपको यहाँ पे डालना होगा। तो ये थी मापदंड जो है ऐसे उम्मीदवार जो एक बार प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं आवेदन करने के प्राप्त नहीं, अगर वो किसी ने एक बार कर रखा है तो दोबारा वो अप्लाई नहीं करें। फिर चयन प्रक्रिया, आपको बुलाया जाएगा जब सिलेक्शन के लिए, तो कोई भी भत्ता कुछ भी नहीं मिलेगा। टेंथ में बात की गई मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट जो होगी आपके ITI बेस्ड पे होगी, जो भी अंक प्राप्त किए होंगे, सबसे ज़्यादा जिस पाए होंगे हायर की उस पर मेरिट आपकी बनेगी। नेक्स्ट 12th है प्रस्तुति, सीधे उनके आधार आपको जो भी ITI की अप्रेंटिसशिप 1961 के अंतर्गत जो भी सैलरी या स्टाइफंड बोल सकते हैं आपको तय होगा, वो आपके सीधे बैंक खाते में आएगी, कैश आपको नहीं दिया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप कोई भी क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या है, तो आवेदन जो स्टार्ट है वो 6/10 मतलब 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, और ऑनलाइन की जो आखिरी तिथि है वो है 12/11 मतलब 12 नवंबर 2018 लास्ट डेट है इसकी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई आपको परेशानी है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए ये जो एड्रेस पर सर्कल मैंने किया है वहाँ पर जा सकते हैं, महाप्रबंधक मानव संसाधन कार्यालय NCL CETI सिंगरौली MP, यहाँ पे जाके, या फिर ये संपर्क नंबर दिया हुआ है कॉल कर सकते हैं इस चीज़ पे, या फैक्स भी कर सकते हैं, आप कोई डिटेल आपको चाहिए तो लिख के। तो ये पूरी जानकारी थी जो NCL में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आई थी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर गवर्नमेंट में करना चाहते हैं तो वहाँ पे अप्लाई करें, और इसका फ़ायदा आपको कोई वैकेंसी आती है ITI डिप्लोमा से रिलेटेड अप्रेंटिस किए रहते हैं गवर्नमेंट में तो उनको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वहाँ टर्म्स कंडीशन लिख दिया जाता है कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग कई बार आप गवर्नमेंट से किए हों तो ही अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो